सो गाइस, क्या आपको भी गुप्त रोग है? आपको भी क्यों बोल रहा हूँ? क्या आपको गुप्त रोग है? क्या आपका छोटा भीम राजू के दो छोटे बालों से भी छूटता है? अगर हाँ तो आज का वीडियो तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। और बच्चों से विनती है, आज की वीडियो ना देखो, अगली देखना जाना, ठीक है? ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एक एजुकेशनल चैनल के बारे में जिसका नाम है क्या बोला तूने? भाई आज की वीडियो में हम एस को एफ बोलेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता यूट्यूब मेरा रिवेन्यू खाए। तो अभी तुम सोच रहे होगे भाई इस चैनल में होता क्या होगा, किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है लोगों को। तो तुमने पुराने अखबारों में डॉक्टरों द्वारा गुप्त रोगियों के लिए दिया हुआ कॉलम न्यूज़पेपर में देखा होगा। तो भैया वही कॉलम जो उठ के अब इंटरनेट पे आ गया है, बस फर्क इतना है न्यूज़पेपर में जो ज्ञान होता था वो एक्सपर्ट और डॉक्टर द्वारा दिया जाता था, लेकिन यहाँ इंटरनेट पे तो कुछ रैंडम लड़कियों द्वारा दिया जा रहा है। और भैया इनके चैनल के कॉन्टेंट के ग्रह कुछ इस तरीके से पलटे हुए हैं कि इनकी वीडियो इनके चैनल पे शिक्षा दे ना दे, लेकिन मीम पेज पे एक टेम्पलेट बन के लोगों को पूरा का पूरा मनोरंजन दे रही है। अबे छोटू देखिए देखिए नाच के जरा आए, कहती पागल पागल है क्या, क्यों अबे इतना खुश? खुश क्यों? अरे बाकी बातें बाद में होंगी, पहले बताओ मेरी रशियन कहाँ है? अबे सही में पागल है क्या? फोन दो, फोन अपना फोन लो, ये देखो सर। पॉर्न देखते टाइम तो बड़ा सर्च करते होगे तुम लोग, सिंधी जेल ये सब वो सब, बट तुम्हें पता है अब ये रियलिटी में हो भी सकता है क्योंकि पंजाब बिकेम दी फर्स्ट इंडियन स्टेट जहां पर जेल में जो प्रिजनर्स हैं उन लोगों को मौका मिलेगा सेक्स करने का। अब बताओ कहां है रशियन मेरी? अरे बेटे छोटू जरा वो डंडा लेके ये तेल लागे। मैंने क्या गलत कर दिया सर? अरे भैया बिना किसी देरी के भाइयों वीडियो देखनी शुरू करते हैं इनकी। और आज मैं करने वाला हूं इनका बहुत खतरनाक रोस्ट क्योंकि मैं परेशान होकर बैठ गया हूं इनसे। अच्छा बट ये गलतियां मत करना। नंबर वन, गलत साइज मत पहनना। ओके दोस्तों, कभी भी गलत साइज का नहीं खरीदना है। अगली बार जब भी केमिस्ट के पास जाओ काउंटर पे जाके बटुआ खोलने से पहले चैन खोल के रख देना, ठीक है? नहीं मतलब क्या बता के लूंगा साइज मुझे ये तो बताओ। अरे केमिस्ट के पास जाके खरीदने में फट जाती है, भाई बड़े छोटे की बात कर रही है। रीयूज करना ये आइडिया काफी डिस्गस्टिंग है, तो आई होप आप लोग कभी नहीं करोगे। भाई ये तो रीयूज करने की बात कर रही है, लड़के तो पता नहीं भाई क्या क्या कर लेते हैं, डिटेल में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। नोनेट नंबर फॉलो कर पा रहे हो या नहीं? बहुत इंटरेस्ट। एक तो मुझे नोनेट नंबर का सीन समझ नहीं आता। अबे जब तुम्हें पूरे साल हर दिन चार शिफ्टें मारनी है, दिन में दो शिफ्टें मारनी है रात में, तो फिर नवंबर में एक महीने की छुट्टी लेके क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे? एंटी मार्केटिंग प्रोडक्ट बताने जा रही हो जिससे तुम फॉलो कर पाओगे नोनेट मेंबर को। तो लेट्स गो। नंबर वन, हैंड्स ऑफ। ये एक एंटी मार्केटरी च्युइंग गम है जो 6 साल तक रिलीफ देती है मास्टरबेट करने से। अरे चुंगम मुंगम भी आती है भाई सबके लिए, मजाक बना के रखते हो। अर्ज किया है अगर नहीं चाहते हो करना कम तो खाओ चुंगम और भूल जाओ सारे गम। भाई जिस पर हर 6 घंटे में खाने के लिए चिंगम के पैसे होंगे वो गर्लफ्रेंड नहीं बना लेगा, उसका खर्चा नहीं उठा लेगा। बात तो सही है। नंबर टू, एंटी मास्टरबेशन क्रॉस। इसको यूज करने से तो आप अपने हाथ ही यूज नहीं कर पाओगे, तो ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। अरे ये ना बजेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी वाला सीन मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा सुन के। हाथ बंधे होंगे ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अच्छा ये जो फॉर्मूला है ना ये तब तक ही लागू करता है जब तक तुम्हारी बांसुरी किसी दूसरे सपेरे का हाथ नहीं लग जाती। जहाँ इस सांप और बीन के खेल में दूसरा सपेरे ने एंट्री मारी वहाँ खेल गड़बड़ हो जाएगा, तू समझा? नंबर थ्री, कॉक केज। स्टेनलेस स्टील का एक ऐसा केज जो आप अपने पेनिस पे लगा सकते हो एंड उस पर आप ताला भी लगा सकते हो जिससे आप मास्टरबेट भी ना कर पाओ। एक मिनट, अगर मैं ताला लगा लूंगा तो चाबी तो मेरे पास होगी, जब मेरा मन तब मैं ताला खोल लूंगा। स्टार्ट करो। या तो मैं ताले की चाबी दूं अपने बाप को, और अगर गलती से मेरे पिताजी ने चाबी खो दी और मुझे बहुत तेज सुस्सू लग गई फिर मैं क्या करूंगा? जा पूछ क्या। और भाई अगर तुम अपनी हस्त मैथुन की तलब को मिटाने के लिए किसी डिवाइस का यूज करना पड़ रहा है तो भाई उससे अच्छा तो हाथ कटवा लो, ठाकुर बन जाओ। ना तो मैं काम करता हूँ टाइम मशीन का आविष्कार करता हूँ, फिर उसके द्वारा ताजमहल में मजदूरी करने जाना जिस टाइम पे बन रहा था, हाथ से हाथ दो बैठोगे फिर ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। स्टॉप सबमिटिंग राइट नाउ। पकड़ के बैठा था मैं अभी, ठीक है कैदी तुमने अब नहीं करूंगा। अपने पेरेंट्स की टिप्पणी तो मानते नहीं हो बट internet.com पे कोई लड़की टिप्स देगी तो वो मान लोगे? नहीं मैडम आपको ना थोड़ा सा गलत लग रहा है, मैं माँ बाप और इंटरनेट पे किसी गैर लड़की के दिए हुए ओपिनियन दोनों ही नहीं मानता। क्या तुम लड़कों ने कभी अपनी नाक नोटिस करी है? आई मीन अगर नाक नोटिस करी है ना तो ये भी जान लो कि जो नाक का साइज होता है वही तुम्हारे डिक साइज से कोरिलेटेड है। ये मैं नहीं कह रही बट ये जनरल बेसिक एंड क्लिनिकल एंड्रोलॉजी की स्टडी कहती है। बाकी आग भाई ऐसी क्लिनिकोलॉजी एंड्रोलॉजी जो भी है उसकी स्टडी में एक्सपर्ट्स ने कुछ ऐसा बताया कि मेरी तो हंसी छूट गई। जिन लोगों की नाक का साइज 1.8 इंच से छोटा होता है उनका डिक साइज अराउंड 4 इंच समथिंग होता है। हंसी छूट गई मतलब कि किसी इंसान का डिक साइज छोटा है तो भाई उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। सही है दीदी, अगर ऐसी ही बात है तो मैं बहुत चीजों पर मजाक उड़ा सकता हूँ पर मैं उड़ाना नहीं चाहूंगा।
नाक का साइज मैटर करता है, वो भी डिक साइज के लिए। अब तुम लोग बताओ, इस वीडियो को देखने के बाद अपनी नाक ऊंची करके चलोगे? ना चल लेंगे हम नाक ऊंची करके। तू सबसे पहले नाक से बोलना बंद कर भाई। ऐसी बेकार सी एनालॉजी मैंने कभी नहीं सुनी और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। भाई कौन सी साइंस इस चीज को मानती है? तुम्हारी नाक का जो साइज है वो तुम्हारे छोटे भीम के साइज से कोरिलेट करता है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे तो ढोलकपुर में तुन तुन मौसी की नाक जो थी ना भाई, पूरे ढोलकपुर में सबसे बड़ी थी। तो क्या इसका मतलब? आपको लगता था कि बूब्स परफेक्टली राउंड शेप के होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। बूब्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो मैं बताती हूँ, बट ये वीडियो एंड तक देखना। देख लेते हैं। एक ब्रेस्ट दूसरी ब्रेस्ट से थोड़ी बड़ी होती है, बट इतनी प्रॉब्लम नहीं होती कि ब्राज में प्रॉब्लम। ओके, इसमें कोई नई बात नहीं है, लड़कों के साथ भी ऐसा ही होता है कि एक बॉल दूसरी से थोड़ी सी छोटी होती है। भाई यार कितनी गंदी गंदी बातें करने बैठ रहा है यार मैं। अभी रुक जाओ, मुझे पूरी नॉलेज लेने दो, क्योंकि ये जो हैक्स शिक्षा हमें शिक्षा दे रही है, ये आगे चल के बहुत काम आने वाली, हमें यूपीएससी के पेपर में भी आ सका है। नंबर 3, ईस्ट वेस्ट ब्रेस्ट। इसमें दोनों निपल्स ऑपोजिट साइड में पॉइंट करते हैं, एक ईस्ट में और दूसरा वेस्ट में। ईस्ट बेस्ट। हंसना नहीं चाहिए भाई, नहीं हंसना चाहिए। क्यों नहीं हंसू? लेकिन ये भी तो छोटा डिक साइज बोल के हंस रही थी। ईस्ट वेस्ट ब्रेस्ट। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है जो ईस्ट वेस्ट जा रही है? कैंसल वैंसल होने का शौक चढ़ रहा। इस नंबरिंग का मतलब कोई रैंकिंग नहीं है, आप जैसे भी हो परफेक्ट हो। हाँ, ये जो अभी लाइन बोली गई है, लड़की किसी भी चीज को कंपेयर करने के बाद बोलनी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बहन तू परफेक्ट है, हाली पेली मोटी ताजी तू कैसी भी हो, तू परफेक्ट है। लेकिन बाकी लड़की के छोटे भीम का साइज छोटा है, तो उस पे हंसना कंपलसरी है। उधर फैक्ट शिक्षा वालों का ये बोलना कंपलसरी नहीं है कि तुम जैसे भी हो परफेक्ट हो। बाकी ये जो मुझे अभी ज्ञान मिला है इंप्लीमेंट का होगा, ये भी बता देना बहन मुझे। बेटे शर्मा जी बता रहे थे आजकल इंटरनेट पे बहुत बहुत पढ़ाई की चीजें आती हैं। हाँ। बहुत बहुत ज्ञान बट रहा। आज से मैं भी सारी पढ़ाई की बातें देखूंगा, ज्ञान की चीजें देखूंगा। 3 hours later. इसमें दोनों निपल्स ऑपोजिट साइड में पॉइंट करते हैं, एक ईस्ट में और दूसरा वेस्ट में। नंबर 4, राउंड शेप्ड ब्रेस्ट। 1% की शर्म नहीं है बेटे? कहाँ है तुम्हारे संस्कार, कहाँ है तुम्हारे मोरल्स, कहाँ है इस वीडियो का लिंक? कहाँ है भाई, भेज जरा। करेक्ट वे टू सबमिट। टाइटल के साथ साथ जो ये पंजा बना रखा ना, कि पंजा नहीं मुट्ठी, आई लाइक इट। Can even make us infertile. बच्चे नहीं पैदा कर पाओगे। अरे बुद्धू, साइड हट। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बस मिथ्स है। अभी पिछले ही वीडियो में कुछ अस्त्र शस्त्र गिनवा के गई है, जो तुम्हें मास्टरबेशन करने से छुटकारा दिलवा सकते हैं। और अब आगे भाई सही तरीका बताया जा रहा, चलो जान लेते हैं भाई। क्या पता हम गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हो इतने दिन से। बट आपको पता है मास्टरबेशन के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। पैक्स शिक्षा ने तुम्हें एकदम बढ़िया करके शिक्षा दे दी है, तुम्हें समझ में आ गई होगी। हस्त मैथुन करने से कुछ नहीं होगा, तो दिन की 4-5 शिफ्टें लग जानी चाहिए। बाथरूम की टेल्स और प्लास्टर सब तोड़ दो भयंकर अपने अस्त्र शस्त्र से। रुक जाओ, अभी सही तरीका भी तो सीखना है। Masturbating 3-4 times a week is considered to be healthy. सुन ले बेटे, वीक दिन की बात नहीं चल रही है यहाँ। यार भाई आई एम वेरी सैड दोस्तों, खत्म हो गया। सही तरीका तो मुझे बताया ही नहीं गया। मुझे कैसे पता चलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही तरीका है नहीं है? कहीं ऐसा ना हो मालिक मुझे जॉब से निकाल दे मेरी। मजाक कर रहा भाई, ऐसे कैसे निकाल देगा मालिक यार, काफी साल से हूँ मैं जॉब पे, पहले नोटिस पीरियड सर्व करेगा। गाइज ऑन द सीरियस नोट, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये सारी चीज करने के जो बहुत ज्यादा नुकसान है, मैं लेस एनर्जेटिक फील होगा, डिप्रेस्ड फील होगा, अरे जो दिमाग चलने की क्षमता वो कम होगी, डिमोटिवेटेड फील होगा, कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आएगा किसे बात करने का, एंजाइटी होने लगी, कुछ भी ऐसा मोमेंट होगा जिसमें तुम्हारी हार्ट बीट वगैरह बट रही, तुम्हारे हाथ कांपने लगेंगे, और भैया चेहरे का नूर और घुटनों में दर्द उठना तो कंपलसरी है। ये सारी चीजें तुम्हें इफेक्ट कर सकती है अगर तुम्हें हस्त मैथुन की लत लग गई है दोस्त। भाई हिंदी के वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ मैं जिससे मेरी वीडियो येलो डॉलर ना हो, डिमोनेटाइज ना हो। इंग्लिश के वर्ड तो पकड़ लेगा एकदम, यूट्यूब शायद हिंदी ना पकड़े। बाकी फनी भी लग रहा बोलने में, बड़ा मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रही है भाई, बहुत मजा आ रहा है यार। अगर किसी भी चीज से एडिक्टिव हो गए तो वो चीज खराब है। अगर मैं आपको लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस करने का एक सिंपल सा नेचुरल तरीका बताऊंगी तो आप ये वीडियो एंड तक देखोगे? हमारे नो मैं पहले बाथरूम में जाके लोशन और टिश्यू पेपर से जाके तुम्हारी जो तरकीब है उसे इस्तेमाल करके देख के आऊंगा। तरीका बताऊंगी तो आप ये वीडियो एंड तक देखोगे? अब भैया इंटरनेट पे आके कोई ऐसा ज्ञान देगा तो वीडियो तो एंड तक देखेगा इंसान, इसमें पूछना क्या है? हमारे किचन में बहुत सारे परफॉर्मेंस एनहांसिंग हर्ब्स होते हैं जो स्टैमिना, फर्टिलिटी बूस्ट एंड डायमेंशन सब करते हैं। हाँ, एक मुट्ठी मिर्ची ले और रगड़ ले, इतनी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। ना भाई ना, हाथ दो बैठेगा बहुत सारी चीजों से। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। नंबर 1, मेथी सीड। ये मैजिकल सीड्स मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा देते हैं और स्पर्म्स का लेवल भी। और
भाइयों को इनकी टीम तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाओ, जो इनकी ऑडियंस है उनमें टेस्टोस्टेरोन की कमी नहीं है दिमाग की नहीं देखो मैं तुम्हें थोड़ी सी लॉजिकल बात बताता हूँ। कमेंट सेक्शन से गो थ्रू करके और जिस तरह से इनकी वीडियो का फॉर्मेट है वो देख के साफ समझ में आ रहा है कि भाई ऑडियंस जो है इनकी सारी छोटी होगी, कम एज की। अरे तो कम एज के बालकों में कहीं टेस्टोस्टेरोन की कमी रहती है? वो बात अलग है कि एक अनसेफ प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए वीडियो बनाया गया है। एक स्पेशल डिस्काउंट के लिए हमारा पिन कमेंट चेक करो। और भाई ये फैक्ट्स वाली जो शिक्षा है ये लड़की दे रही है तो मुझे चल रहा है। इन्हें बच्ची यहाँ क्या कर रही है? तुम सबने 90% लेके साइंस तो ले ली, बट माय टीचर स्टैमिना बढ़ाने के टिप्स दिए नहीं होंगे। हाँ, इसीलिए तो मेरे पिताजी जो है स्कूल की फीस जमा कर रहे थे। स्कूल में जाके मैं ये सीख के आऊंगा कि स्टैमिना कैसे बढ़ना है। बट अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो यही सारे कंपाउंड उसे निपटेंगे। मैन परफॉर्मेंस ट्राई करो। हाँ, इन्होंने अभी जितने भी कंपाउंड्स के नाम लिए हैं वो कहीं ना कहीं बिना डॉक्टर की कंसर्न के लेने पे हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। ये हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और कैंसर वगैरह चीज को कंट्रोल करने में यूज होते हैं। तो भैया अगर तुम अपनी जान से प्यार हो तो यूट्यूब से दबाव और ज्ञान दोनों ही नहीं लेना है। एंड अगर आपको ईडी नहीं दी है तो भी एलआरजीन आपकी रिएक्शन को प्रोलॉन्ग कर सकता है। और जो एलआरजीन है भाई वो हार्ट अटैक के बाद में लेना तो बहुत ज्यादा डेंजर है। देख देख के ना तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होगी। ना उससे भी ज्यादा तुम्हारी वीडियोस देख के हो गई है। अब तुम्हें लगता है लुब्रिकेंट और सलाइवा दोनों एक ही चीज है, पर वो दोनों सेम नहीं है, वो दोनों डिफरेंट होते हैं। अगर आज तक तुम लोग सलाइवा को ही यूज करते थे एज अ लुब्रिकेंट उधर, तो अब से मत करना, या फिर कभी किया नहीं है तो फ्यूचर में भी मत करना। ये वीडियो मत देखो, मैं अभी नहीं देख रहा। ये ना तुम्हें बता रही है 203 तरीके से कि तुम सिंगल हो, ठीक है? तुम्हारे काम की बात नहीं चल रही है इधर। So, वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। मैंने इन लोगों पे हेट डालने के लिए वीडियो बिल्कुल नहीं बनाया है, बट कुछ चीजें हैं जो इनको वीडियो बनाते हुए थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए। बाकी अच्छी वीडियोस बना रहे हैं भाई, ये जो हमारी कंट्री में टैबू फैला हुआ है सेक्स वगैरह को लेके, इस टाइप की वीडियोस बनने से वो ब्रेक होगा, सोसाइटी में अवेयरनेस जागेगी। लेकिन थोड़ा सा सही तरीका इस्तेमाल कर लो यार। माना मैंने कि तुम ये सब जो है ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हो अपने शॉर्ट्स के थ्रू, और हेल्थ का सवाल है तो थोड़ा प्रोडक्ट प्रमोट करते हुए भी अच्छे से किए जाए, देख के किए जाए। ऐसे कैची टाइटल या फिर थंबनेल या फिर हुक लाइंस यूज करना कोई गलत बात नहीं है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में चला जाता है।